हेलो पब्लिक, वेलकम टू चैनल। राम राम। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एक्स मूवी के बारे में, यानी कि फास्ट 10 मूवी के बारे में। तो ये मूवी आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और इंडिया में पैन इंडिया रिलीज हो चुकी है तमिल, तेलुगु, हिंदी लैंग्वेज में। तो इस मूवी का हिंदी डब मुझे अच्छा लगा, इस मूवी का हिंदी डब अच्छा है। तो देते हैं इस मूवी के बारे में एक शॉर्ट बट स्वीट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का जो विलन है वो फ्लिपकार्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें ट्रेलर में ही पता चल जाती है कि किस तरह फ्लिपकार्ट में जो अपने डोमिनेटोरेटो यानी कि अपने डॉम की जो फैमिली है वो एक तिजोरी को किस तरह से मतलब लूटते हैं। उस तिजोरी को लूटने के बाद जो फ्लिपकार्ट का विलन था तो उसको किस तरह से मारते हैं, और उसके बाद उसके बेटे के ऊपर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। और बात करें इस मूवी के विलन की, जो प्ले कर रहे हैं हमारे अपने जेसन ममोआ, करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी में एक ही चीज़ है, मतलब डॉम अपनी फैमिली के साथ खुश, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे जाके कौन से खतरे को वो मतलब फेस करने वाले हैं। और हमें जैसे कि पता है हर पार्ट में कुछ ना कुछ तो उनका चलता ही रहता है फैमिली रिलेटेड। तो इस मूवी में यही है कि जो फिफ्थ पार्ट का जो विलन है, विलन का जो बेटा है, तो उसका इस मूवी में एक ही टारगेट है कि डॉम को मारना नहीं है, उसकी कह के लेनी है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो जितने भी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी से जितने भी एक्टर्स बिलोंग करते हैं, हर किसी ने अपना अपना रोल इस मूवी में मतलब अच्छा ही निभाया है। लेकिन खास करके जेसन ममोआ, उस बंदे ने मतलब इतना साइको कैरेक्टर प्ले किया है कि वो मतलब जब देखोगे ना तो मुझे मतलब देखते वक्त मुझे ये फील होता हो रहा था कि ये भाई थोड़ा जैक स्पैरो प्ले कर रहा है, थोड़ा सा जोकर प्ले कर रहा है, मुझे ये कॉम्बो मतलब उनके एक्टिंग में नजर आया। और जेसन ममोआ का ये कैरेक्टर इससे पहले मैंने मतलब बहुत से मूवीज देखे उनके, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर प्ले करते वक्त मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन उनके एक्टिंग देख के अच्छा ज़रूर लगता है। इस मूवी में आपको बहुत सारे नए नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो अपने पास्ट के कुछ पार्ट से बिलोंग करेंगे, या फिर कुछ रिलेशनशिप, कुछ कनेक्शन, ये सब चीज़ें इस मूवी में हमें देखने को मिलती है। और एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले मतलब ये मूवी रिलीज होने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये मूवी दो पार्ट्स में आने वाली है, लेकिन वैन डीजल ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया कि इस सीरीज़ की फ्रेंचाइजी मतलब ट्रायलॉजी होने वाली है। इसलिए इस सीरीज़ के मतलब फास्टैग सीरीज़ के तीन पार्ट आने वाले, इसलिए इन्होंने इस मूवी में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कि ट्रायलॉजी कंप्लीट करने के लिए, तो उन्होंने ये इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर इस मूवी में कंप्लीट किया, क्योंकि हमें अलग अलग लेवल के कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिलते थे, तो शायद उन कैरेक्टर्स का इन फ्यूचर अच्छा रोल हो सकता है। जब मैं ये मूवी देख रहा था, जैसे मोमोआ का जो साइको कैरेक्टर है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये डोमिनिक टोरेटो की फैमिली को किस तरह से टक्कर देगा भाई, लेकिन जब लास्ट के जो कुछ सीन देखता हूँ ना, उस दो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या प्लानिंग और क्या एग्जीक्यूशन है इसका, इस बंदे का मतलब वो देखने को पागल लग रहा है लेकिन उसके एग्जीक्यूशन इतने परफेक्ट होते हैं, वो हमें क्लाइमैक्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और बात करें इस मूवी की, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मतलब कि इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, आगे डोमिनिक के साथ क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो ओवरऑल बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी मुझे लगता है कि एक वन टाइम वॉच मूवी ज़रूर बनती है, क्योंकि अगर हम ये मूवी नहीं देखेंगे तो आगे के पार्ट्स कैसे समझ में आएंगे। और जितना मुझे पता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ के बहुत से लोग फ़ैन हैं, वो भी डाई हार्ड फैन है, तो वो लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। इतनी भी मूवी मतलब बकवास नहीं है, मूवी वन टाइम वॉच ज़रूर है। तो थिएटर में जाओ, एंजॉय करो इस मूवी को, और हमें बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फिलहाल के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राम राम।